अभी दूसरी वॉल भी जो है वो बिल्कुल वॉलपेपर पूरे फट चुके हैं। तो गाइस जस्ट मैं अभी एंटर कर रही हूँ अपने घर में और भैया ने पूरे घर की काया पलट दी है भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा सचदेवा, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आई एम सो सॉरी कल व्लॉग नहीं ला पाई। आप लोग मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट करो कि स्नेहा ऐसे ही डेली व्लॉग लाया करो, बट यार कभी कभी हो जाता है मिस आउट। तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि घर पे देख लो कैसा चल रहा है। अब मैं बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे व्लॉग बनाऊं। ये पूरा का पूरा आप देखो, ये सारा पेंट वगैरह सब कुछ पड़ा है। और अब ये वॉल को देख लो, पहले पूरी की पूरी इस वॉल की हालत क्या हो रखी है आप खुद देख सकते हो। और ये पैनल्स काफी दिनों से आए हुए थे, इसमें टाइम लगता है, तो फिर आज जो है ना फाइनली देखो सारे भैया आ चुके हैं, सारे जो है वो भैया आ गए हैं। तो अब ये पूरी वॉल चेंज हो जाएगी, वो उधर वाली वॉल भी पूरी चेंज होने वाली है। मम्मी को आज मैंने बिठा दिया ड्यूटी पर, नो सत्संग कुछ भी नहीं, कहीं नहीं जाना। वो तो वैसे नहीं जा रही मम्मी, बहुत दिनों से नहीं जा रही भाई, मम्मी में पेशेंस आ गई है। तो भाई वॉलपेपर का ट्रेंड तो पुराना हो गया, ये WPC लूअर्स जो है वो ये लगाऊंगी अब मैं, जो मुझे मैक्स इंटीरियर ने भेजे हैं तीनों चीजें। और UV मार्बल शीट जो उस कमरे में पड़ी है मेरे बेड पे सजी हुई लेटी हुई है आराम से, तब से मैं 4 दिन से अपने बेड पे नहीं सो पा रही हूँ। तो लेकिन आज ना ये बिल्कुल मतलब नेक्स्ट लेवल घर हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल। भैया को कम से कम 4-5 घंटे चाहिए इस काम को करने के लिए। भैया बढ़िया कर देना एकदम, ओके एकदम बढ़िया, एकदम ऐसा लगना चाहिए वाह क्या आ गया भाई। भैया ने तो हल्ला, भैया आप लोगों ने तो हल्ला बोल दिया, ये क्या कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। भैया देख लो उस वॉल पे, तो उस वॉल पे तो भैया ने हल्ला बोल दिया है। अब ये वाली वॉल की भी बारी है इसके बाद में, तो ये वाली वॉल पे होने वाली है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही दिखा रही हूँ, वरना मैं ना मिस कर देती हूँ। अभी पूरे घर में पेंट हुआ, मैं ज्यादा दिखा नहीं पाई थी, और बाकी अभी पॉलिश वगैरह भी चल रही है अभी दरवाजों पे। तो ये वाली वॉल भी होने वाली है प्रॉपरली चेंज। इस वॉल के लिए जो है हमने भी WPC लूअर्स जो है वो और साथ में UV मार्बल शीट ही ली है, लेकिन यहाँ की शीट थोड़ी छोटी है और लूअर्स हमने ब्राउन कलर के लिए, क्योंकि हमारे सोफे ब्राउन कलर के, अभी सोफे भी प्रॉपरली क्लीन करवाएंगे। तो अभी जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ अपने काम के लिए, भैया को टाइम लगेगा, भैया आराम से काम वाम करके तब तक वापस आके रिजल्ट भी दिखाऊंगी। गाइस अभी वॉल और वो वाली वॉल जो है ना बिल्कुल सेम थी जब से हम इस घर में आए हैं, लेकिन अभी इस वॉल को प्रॉपरली चेंज करा दूंगी मैं, क्योंकि भाई मैं हो चुकी हूँ बोर, क्योंकि ऑब्वियसली यार 5-6 साल से घर में रह रहे हैं, तो ना बोर हो ही जाता है बंदा कि नहीं यार अब ये नहीं, अब मजा नहीं आ रहा। और आजकल तो लोग अपने घर में 1-1 साल बाद ही ना चेंजेस कराने लग जाते हैं, तो अब पेंट हो चुका है, तो मैं सोचती हूँ वॉल्स भी चेंज हो जाएंगी, तो भाई मजा आ जाएगा। और थोड़ी वीडियोस भी ना और प्यारी क्वालिटी की और अच्छी क्वालिटी की आएंगी। तो अभी जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा ना, फिर आपको प्रॉपर होम टूर दूंगी, क्योंकि बहुत लोग होम टूर मांग रहे थे। पहले घर ना भरा हुआ था प्रॉपरली इतना सामानों के साथ, लेकिन अब हमने सोफा और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डाइनिंग टेबल वगैरह हम लोगों ने सब चीजें ना हटवा दी, ताकि इजीली जो है ना हम लोगों के पास खुला स्पेस हो। ये देख लो, ये क्या कहते हैं भैया इसको, क्या सिलिकॉन है, तो ये इस चीज से चिपकता है पूरा का पूरा। पीछे से कितना गंदा हो रहा है, अरे अभी फ्रंट से देखना कितना सुंदर लगेगा जब ये हो जाएगा। अभी ऐसे समझ नहीं आ रहा, मम्मी आपको भी नहीं समझ आ रहा ना ऐसे क्या होने वाला है, समझ नहीं आ रहा क्या जब पूरा तैयार होगा तो पता चलेगा। हाँ अभी आपको पता लग जाएगा। भैया वो एल जो रह गए थे वो आने वाले हैं, ठीक है ठीक है। अभी दूसरी वॉल भी जो है वो बिल्कुल वॉलपेपर पूरे फट चुके हैं, जिस हद तक वो फट सकते थे। भैया इसके ऊपर नहीं चिपकेगा ना, इसको उतारना ही पड़ेगा आपको। भैया आप कौन सा हिसाब लगा रहे हो अभी से, मैं एड्रेस, अच्छा एड्रेस भेज रहे हो। चाहे मम्मी ये दीवार हमने व्हाइट देखी है, हमने जब इस घर में एंटर किया था तब से वही वॉलपेपर ही था। अब फर्स्ट टाइम हम इसको व्हाइट देख रहे हैं, कितना खुला घर लग रहा है ना, अब मस्त लग रहा है घर। 5 साल भी तो हो गए ना इसको, 5-6 साल हो जाएंगे दिवाली के आसपास। और गाइस जो ये मंदिर बोल रहे थे ना कि हमें दे दो, ये ऑलरेडी हमारे घर में एक सब्सक्राइबर आए थे उत्तम नगर से, है ना, उत्तम नगर से आए थे, जहाँ मम्मी रहती है उस साइड रहते हैं ना। अच्छा अच्छा, वो सिस्टर रहती है, उनको सीमा का घर पता था, उन्होंने पूछ के आए थे। अच्छा वहाँ से आए थे, उनको नीड थी तो हमने कहा उनको ले जाना। हाँ तो गाइस ये पॉलिश हो जाएगा कल में, और वो फिर आकर के ले जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन वो घर ही आ गए थे तो फिर हमने उन्हीं को हाँ कर दिया। वैसे तो मंदिर हमारा नया ही है, कुछ खराब नहीं हुआ बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं, हम तो यूज कर रहे थे, बस गुरुजी का ही लगवा रखा था। ये कि चलो पेंट हो जाएगा थोड़ा और क्लीन हो जाएगा, और ये पॉलिश होके पूरा क्लीन हो जाएगा ना और अच्छे से। वॉल तो फाइनली कम्प्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, बस लास्ट की बची है, और फाइनल लुक आप लोग को वॉल कैसे दिखाएगी मैं नहीं।
और मेरी तबीयत हो चुकी है खराब, मतलब मुझे इतनी ठंड लग रही है, पक्के वक्के कुछ नहीं चल रहे और ऊपर से मैं मोटा पहन के बैठ सकती हूँ। ठीक है, काम कराना है घर में, उसके बाद डॉक्टर पे जाएंगे। तो भाई अभी जो है ना मैं रेडी हो चुकी हूँ, रेडी होके निकल रही हूँ अपने काम के लिए जहाँ मुझे जाना था। फटाफट से काम निपटाऊंगी एक घंटे, एक से डेढ़ घंटे के अंदर, क्योंकि घर आना है वापस, वरना मम्मा और कशिश परेशान होंगे, क्योंकि सारी चीजें मुझे पता है कैसे मैनेज करिए, कहाँ कहाँ लगवानी है। चलो चलते हैं। तो गाइस जस्ट मैं अभी एंटर कर रही हूँ अपने घर में और भैया ने पूरे घर की काया पलट दी है भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और मैं इसकी फाइनल लुक अभी नहीं दिखाऊंगी, लेकिन घर देखो तहस नहस हो रखा है। अभी नहीं दिखा रही मैं कुछ भी, क्योंकि जब आप देखोगे ना मजा आ जाएगा। कशिश क्या रिव्यू है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो पूरी मिट्टी मिट्टी में लती हूं। लेकिन कैसा लग रहा है बता? बहुत सुंदर लग रहा है ना मम्मी? बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया। क्या बहुत अच्छी हो गई है? बहुत अच्छी हो गई है, अच्छा भी बदल गया। आपके पता है वीडियो कितनी अच्छी आ रही है पीछे उसके, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अच्छा बदल गया घर। ओ भाई शोर मच रहा है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी तो निकलना आया घर से कचरा निकाल, कचरा निकलो तो निकलना तू, ऑरेंज कलर का कचरा है निकालो। चलो ऑटो, मम्मी कह रही चलो ऑटो, तुम भी नहीं। भैया ने जो किया है ना उसके बाद भैया और खुद ही फोटो खींचने में लगे हैं। मजा आ गया भैया? अच्छा देख के मजा आ गया ना। अभी गाइस मैं इसका पूरा दिखाऊंगी, देखो कितना सुंदर लग रहा है सब ना, एक झलक मैं हल्की सी दिखा रही हूँ, लेकिन फाइनल टेक बाद में दिखाएंगे। मजा आ गया भैया, देखो कितना बढ़िया ऐसे फैला के टाइटैनिक। एक तो इतनी मेहनत के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ये सबने देखो, ये भैया और ये दोनों अभी भी मेहनत ही कर रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, भला हो आपका। मम्मी कह रही भला हो, मम्मी दुआएं दो। और अब देखो मम्मी के लिए काम बढ़ गया। गाइस भैया जो है ना बढ़िया एकदम हमारे घर में पेंट वेंट पॉलिश वॉलिश कर रहे हैं। तो भैया कह रहे थे किसी और को भी कराना ना तो भैया को फोन कर सकते हैं ना भैया, नंबर बता दो अपना। 8920100007147। तो गाइस मैं स्क्रीन पे भी डाल रही हूँ, आप लोग अगर किसी को भी घर में पेंट पॉलिश या किसी भी तरीके का काम कराना है तो भैया को कॉल कर लेना। अच्छा काम करते हैं है ना भैया, काम भैया ने बहुत तसल्ली से अच्छा काम किया, थैंक यू भैया। तो गाइस अभी मैं कर रही हूँ ड्राइविंग की प्रैक्टिस, और वो क्यों कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक चैलेंज मिला है जो आपको बहुत जल्दी पता लगेगा कि किस चीज का चैलेंज है वो। तो आपको क्या करना है गाइस, तब तक के लिए तो बने रहना है व्लॉग में। लेकिन मेरे पास लाइसेंस है, मेरे को गाड़ी चलानी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन यार कई बार ना ऐसा होता है कि नहीं बहुत दिनों से चलाई नहीं होती ना तो हाथ नहीं खुल पाता, तो इसीलिए आज हम प्रैक्टिस करने के लिए आए ताकि हाथ खुल पाए हमारा ज्यादा से ज्यादा। आपको कैसा लगा ये इंटीरियर? अच्छा ही है, ठीक है, मतलब लेकिन मेरे को पहले वाले अपने पुराने जमाने के अच्छे लगते थे ना थोड़ा, तो वही मेरे को ज्यादा पसंद आते हैं। क्यों भाई, ये नया जमाना है मम्मी, पुराने जमाने से बाहर निकलो। मेरे को पुराने वाले आप, ज्यादा, उनकी गेटअप ज्यादा आप सूटों से कॉट साइड पे स्विच हुए ना? हाँ, हुए वो तो। फिर वो जमाने के साथ चलना पड़ता है, कपड़े बदलने होते हैं। न्यू जनरेशन है, नई चीज है, ये भी सही है कि इससे होगा कि सीलन नहीं आएगी, और अच्छा ही कर दिए बेटा, बढ़िया ही कर दिया, इतना अच्छा घर है, क्या बोल दो ऐसी, इतना प्यारा है। कल मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन अब आज देखने में अच्छा लग रहा है। अभी पता सोफे वगैरह सब जब लग जाएंगे, पूरी सेटिंग होगी, कितना सुंदर लगेगा घर, बहुत बढ़िया ही लगेगा, पर्दे वर्दे लगा के थोड़ा सब इतना सुंदर लगेगा, ऐसी बोल रहे हो। कल मुझे जमाने के साथ आगे चलना पड़ता है, थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन अब आज देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, सब कह रहे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरे को पता नहीं थोड़ा सा लग रहा है। गाइस पता है मामी भी आई थी, मामी भी आगे बोल के चली गई, अब तो किसी की शादी करो घर बिल्कुल नया जैसे कर दिया है तुमने, सबको पसंद आ रहा है, बस ये मम्मी थोड़ा ओल्ड फैशन सोचती है ना, इनके टाइम पे वॉलपेपर सफेद या, लेकिन जमाने के साथ चलना पड़ता है। लेकिन ये बात है कि चलो बेटी ने कराया है सब कुछ, मेहनत उसकी रंग लाई है, उसने काफी पैसे भी खर्च किए हैं, बेचारी ने हिम्मत है उसकी जो कर रही है सब कुछ, जो बेचारी